हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बर्तवाल एंड फैमिली ब्लॉग्स। मेरा नाम है जितेंद्र बर्तवाल और मेरी वाइफ है, इसका नाम है चानू। नाश्ता बन रहा है हमारा और नाश्ते में आज बन रहा है स्पेशल। चानू बना रही है, क्या बना रही चानू आज? आज बनेगी सूजी का हलवा है ना। हाँ, सूजी का हलवा बन रहा है आज, तो दिखाते हैं आपको हम कैसे बनाते हैं सूजी का हलवा। आज हमारा मन कर रहा था खाने का, तो हमने कहा कि बना लेते हैं, क्योंकि आजकल मौसम ऐसे हो रहा है, मौसम थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। कल रात अच्छी बारिश हुई तो उससे थोड़ा सा सुकून मिल गया है आज। तो दोस्तों, हमने सूजी बनाने के लिए ले लिया है गुड़, और इसमें इलायची भी डली हुई है। सूजी ले लिया है, थोड़ा सा सूजी ले लिया है, आधी कटोरी। और ये ले लिया हमने ड्राई फ्रूट्स, इसमें है किशमिश और बादाम। और ले लिया हमने घी, शुद्ध देसी घी। तो ये चार आइटम है हमारे पास, इससे बनाएंगे हम सूजी। तो शुरू करते हैं, कढ़ाई में बनेगी सूजी, तो गैस कर दीजिए ऑन। ओके, और ये डाल देते हैं घी। और ये शानू ने खुद बनाया है घी, मलाई से बनाती है शानू घी। इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है पहले, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के तो देख सकते हैं जाके। घी जरा ज्यादा डालना, और आप घी थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है, ज्यादा मतलब 2 चम्मच। उसके बाद हमने सूजी डाल दी, और सूजी को मिक्स करना है इस तरह से। हो जाएगी, कम ही खाते हैं बच्चे, तो सूजी को हम मिक्स करते रहेंगे। और सूजी खाने का मजा बारिश में ही आता है ना, बारिश होती है जब, तो थोड़ा अलग ही मजा आता है सूजी खाने का बारिश होती है जब। तो सूजी को हम भूनते रहेंगे जब तक सूजी का कलर ब्राउन ना हो जाए। अभी सफेदी है, वाइट ही है अभी तक, तो जब ब्राउन हो जाएगा और खुशबू आने लग जाएगी। खुशबू तो आने लगी बट ब्राउन नहीं हुआ अभी, तो ब्राउन होने का वेट करते हैं। और ये हल्का हल्का धुआं आने लग गया है, तो इसका मतलब तैयार हो गया है हमारा। तो देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया है, और सूजी हमारी भुन गई है अच्छी तरह से। और अब हम पानी डाल देंगे, और ये पानी डाल दिया, ये धुआं आ गया है देखो। और ये वाली जो खुशबू होती है ना, बड़ी प्यारी होती है खुशबू जो अभी आ रही है। बाद हमने गुड़ डाल दिया, गुड़ के साथ हमने इलायची है, ये ग्रीन ग्रीन कलर की जो दिख रही है आपको, ये इलायची है और खुशबू के लिए। और गुड़ डाल दिया है, गुड़ वाला अच्छा होता है, चीनी नहीं डालते हम। और ये भी मेल्ट हो जाएगा गुड़ इसमें, और इसको पकने देते हैं। कितना टाइम? इसको 5 मिनट पकने देंगे, 5 मिनट तक। वंशु क्या कर रहा है? हेलो वंशी, क्या कर ले हो आप, क्या कर ले हो, क्या कर ले हो। और ये अभी अभी उठा, तो इसलिए इसको नींद का झटका आ रहा है, नींद का झटका आ रहा है। वंशु कहाँ खींच रहे मुझे, कहाँ ले जा रहे पापा को, पापा को कहाँ ले जा रहे आप, अंदर कहाँ ले जा रहे पापा को, अबे कहाँ ले जा रहे पापा को, क्या क्या बोले। गुड मॉर्निंग बच्चों, बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। देखो बाहर कैसा मौसम हो रहा है, देखो देखो कैसा मौसम हो रहा है, ये कैसा मौसम हो रहा है। बारिश आई थी ना कल बारिश आई थी, नहीं आई बारिश? देखी आपने, वंशु ने बारिश भी देखी नहीं देखी है? क्या देखी वंशु ने, वंशु क्या देखी आपने? देखो मम्मी क्या बना रही, मम्मी क्या बना रही है, क्या बना रही, क्या बना रही मम्मी बताओ, मम्मी क्या बना रही बोलो, सूजी, सूजी बोलो, हलवा बोलो, क्या बना रही मम्मी, हलवा बना रही,
अब बंशु भी खाएगा ना, पापा भी, और कौन खाएगा, नानू भी खाएगा और मम्मा भी खाएगी, सब खाएंगे। बोलो आप भी आ जाओ हलवा खाने। पाका दो, पाका दो, पाका दो। लव यू। हमारा ऐसा हो गया, इसके बाद हम डाल रहे हैं। हाँ, पर तभी डालें जब गुड़ अच्छे से पक जाए ना। गुड़ अच्छे से पक गया है, दूध फट जाएगा। और अब हम दूध डाल रहे हैं, तो ये दूध डाल रहे हैं। तो इतना सारा दूध डाल दिया है, इसको मिक्स कर देंगे। और वंशु ने गिरा दिया है पानी नीचे। तो इसको बस हम 5 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे। मैंने पिछले ब्लॉग में श्रियांश का दांत तोड़ा था, दिखाओ दांत, दिखाओ अपना दांत, दिखाओ कौन सा दांत तोड़ा था। ये तो ये रहा, ये यहाँ पे रखा हुआ है हमने, देखिए इसमें बच्चों के कपड़े हैं, इसमें बहुत सारा सामान आ गया है हमारा, सारे सारे, ये देखिए काफी सामान आ गया है हमारा इसमें ना। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जगह कम घेर रहा है, देखो इतनी छोटी सी जगह पे ये आ गया है। और इसके ऊपर हमने रख दिए हैं छोटे छोटे टेडीज, पहले ही खा लिया। कच्चा है क्यों खा रही, कच्चा नहीं है वो। हाँ अच्छा, अच्छा लगता, पतला पतला है, पतला पतला अच्छा लगता है, पतला पतला कमाल है, पसंद। क्या बोलते हैं इसको, खड़कना। तो दोस्तों ये देखिए ये क्या हो रहा है तो ये कभी कभी फेस पे आ जाते हैं, हाथ पर, हाथों पे लग जाता है, तो इसके इससे बच के रहना चाहिए। जैसे अभी सानू के हाथ में लग गया था। तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए थे सानू ने, और इसके बाद ये देखिए सूजी हमारी रेडी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस फटाफट से गरम गरम परोसिए और खाइए, आप भी खाइए दोस्तों, और हम भी खाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सानू ले आई है मेरे लिए गर्मा गर्म सूजी। तो दोस्तों आप भी आ जाओ सूजी खाने, और टेस्ट करते हैं, मज़ेदार सूजी बन रखी है। तो ये रही सूजी, मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया पर ठीक है, चलो चल जाएगा, बहुत टेस्टी हो रही है। तो दोस्तों आप भी आ जाओ। और श्रियांश यहाँ पे हलवा खा रहा है अभी, तो श्रियांश से पूछते हैं, श्रियांश बताओ कैसा हो रहा हलवा, मीठा हो रहा है, मीठा हो रहा है, और कैसा हो रहा है, टेस्टी। और दांत दिखाओ अपना, ये वाला दांत तोड़ा था, अब तो नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ बहुत सारे कमेंट आए थे ना, वो कह रहे थे कि आपने बहुत रुलाया बच्चे को, आपने क्यों तोड़ा दांत उसका, अपने आप टूट जाता, तो बोलना। हाँ तो वैसे बोलना मैं ठीक हूँ अब, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, बोलो। हाँ और वंशु क्या कह रहा है, वंशु आप क्या कह रहे हैं, अच्छा वंशु, वंशु खा रहा है हलवा, वंशु कैसा हो रहा हलवा, अच्छा हो रहा। बाय बाय कर दो, चलो बाय कर दो सबको, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते करो, नमस्ते कैसे करते हैं, नमस्ते करो, हाथ जोड़ के नमस्ते।
नमस्ते। हाँ, और अब करो बाय बाय। चलो बाय कर दो। बाय बाय। तो आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताना। तो वीडियो का एंड करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर करना सब्सक्राइब विद बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, और अपने परिवार का रखिएगा विशेष ध्यान। थैंक यू सो मच। बाय बाय।